यूट्यूब देखकर बना डाला खतरनाक हथियार। जबलपुर पुलिस ने दो नाबालिगों की निशानदेही पर हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी। चाकू तलवार से लेकर कट्टा पिस्टल और कारतूस भी मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उम्र 15 व 16 साल पर इनके कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक किशोर 11वीं पढ़ रहा है, दूसरी 4थी पढ़कर स्कूल छोड़ चुका है। दोनों मोबाइल पर दिन भर यूट्यूब देखकर खतरनाक हथियार बना डाले। दोनों की निशानदेही पर पुलिस उनके घर की तलाशी लेने पहुंची तो सन्न रह गई। वहां हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। चाकू तलवार से लेकर कट्टा पिस्टल और एसी की पाइप से कारतूस तक बना मिला। दोनों की कारनामे खुली तो परिवार के लोग भी सन्न रह गए। सीएसपी गोरखपुर आलोक शर्मा ने इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया। बताया कि धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी सतीश झारिया की अगुवाई में टीम ओरिएंटल कॉलेज के पास शनिवार शाम को चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 15 व 16 वर्षीय किशोर मिले। गोहलपुर व हनुमान ताल निवासी दोनों अपचारी बालक के पास से एक कट्टा व चाकू मिला। चौकी प्रभारी सतीश झारिया की टीम दोनों को चौकी लाकर पूछताछ की। दोनों ने बताया कि दोनों जब्त हथियारे उन्होंने स्वयं बनाए हैं। यूट्यूब से सीख कर दोनों ने और दूसरे हथियार बनाने की भी जानकारी दी। इसके बाद टीम दोनों को लेकर गोहलपुर और हनुमान ताल पहुंची। गोहलपुर निवासी नाबालिग 11वीं में पढ़ता है, यूट्यूब देखकर बना डाले कट्टा पिस्तल बंदूक व कारतूस। हनुमान ताल निवासी नाबालिग 4थी के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है। उसके पिता इलेक्ट्रीशियन है, दिन में काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर में पड़े लोहे के सामान, नल के पाइप सहित लोहे के सामग्री से देसी कट्टा बनाया है। उसने लोहे की पट्टी से तलवार आदि भी बनाए हैं। एसी की पाइप को कारतूस की साइज में काट कर माचिस के बारूद भरकर कारतूस भी बनाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों के साथ पुलिस हनुमान ताल निवासी नाबालिग के घर पहुंची तो वहां हथियारों का जखीरा देख सन्न रह गई। मौके पर वो देसी कट्टे, एक अधवरी रिवॉल्वर, एक दुनाती बंदूक, 8 तलवार, एक बाइक के चैन इस पॉकेट से बना औजार, 5 पटाखा फोड़ने वाले पाइप, 3 चाकू, 2 ड्रिल मशीन, 1 ग्राइंडर, 1 कटर, 1 वेल्डिंग मशीन, 1 छोटा गैस सिलेंडर, 2 हथौड़ी, वेल्डिंग रॉड 1 पैकेट, हेक्सा ब्लेड 1 पैकेट, 1 फाइल, एसी पाइप के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े जब्त किए। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्त में आए 15 वर्षीय अपचारी बालक एसी के कॉपर पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर माचिस की तीली के बारूद से कारतूस बनाने का भी प्रयास कर रहा था। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने किसी और को तो हथियार बनाकर नहीं बेचे। खुलासे में TI शोभना मिश्रा, SI तेजराम, आरक्षक जितेंद्र यादव, राहुल सिंह छत्रपाल, राजेश मिश्रा, राहुल भदौरिया की भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। नाबालिग बच्चे मिले, दोनों नाबालिग बच्चों को जो हमने चेक किया तो उनके पास एक पिस्टल और एक चाकू मिला। और जब हमने और उनसे पूछताछ की, थोड़ा सा दौड़ डाला, तो उन्होंने बताया कि हमने यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे घर के ही सामान होते हैं, कोई पाइप हो गया, कोई डार्ट हो गया, उनके माध्यम से इन्होंने इनोवेशन किया। और उस इनोवेशन पे इन्होंने तलवारें हो गई, पिस्टल्स हो गए और चाकू हो गए, कई तरीके का ये लोग सामान बनाते हैं। और अभी ये इनोवेशन के प्राथमिक स्तर पे ही है, क्योंकि अगर हम उनके बनाए वेपन्स देखेंगे तो कुछ तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पतले हैं। ऐसा कोई इनका मतलब गुणवत्तापूर्ण वेपन्स नहीं बनाए, लेकिन ये एक खौफनाक कदम है। हमने इनको उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और 25 आम से और 25 एक इसमें कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें और लगता है कि बाकी लोग भी इसमें शामिल है, कोई ग्रोथ हो सकता है या कहा इन लोगों ने बेचा है, पूछताछ जारी है।